बाद में खेल रहे थे, उसके बाद में एक्सरसाइज व्यायाम जिसे कहा जाता है वो रहता है। हर एक चीज से कुछ ना कुछ संदेश देने की हम कोशिश करते हैं। वैसे ही एक अभी खेल लेने के लिए मैं श्रीयुत निमेश जी को स्टेज पर आमंत्रित कर रहा हूं, वो आपका एक खेल लेंगे। खेल सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि उसमें से कुछ हम ले नहीं पा रहे, उसमें से कुछ ना कुछ जरूर संदेश रहेगा, भले एकता का रहेगा। तो सभी ने उसमें पार्टिसिपेट करना है, फ्रॉम किड्स टू एल्डर्स। किसी भी कोने में जाकर उधर का दर्शन लेना, उधर जाके खड़े होना है। बस जाते समय हम परिवार के साथ जाएंगे, ऐसा ध्यान में रखना। अकेले नहीं जाना, तो परिवार ने सबने मिलकर एक साथ जाना। कहां जाना तो अपने भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान है, अपने भारत में बहुत सारे धार्मिक क्षेत्र है। अब अभी जो कुर्सियों पे बैठे उनका क्षेत्र कौन सा समझे? तो थोड़ा जो कुर्सियों पे बैठे उन्होंने भी थोड़ा उठकर अपने अपने क्षेत्र में जाना तुरंत। और जो कुर्सियों के पीछे खड़े हैं वो ऐसा माना जाएगा कि वो आसाम अरुणाचल प्रदेश में खड़े हैं, इसलिए उनको उधर की विशेषता बतानी पड़ेगी, इसलिए थोड़े अपनी जगह बदलकर हमें जहां जाना है वहां पे हम जा सकते हैं। और जो बाजू में पीछे दर्शक बने हुए हैं उन्होंने भारत को बाहर से मत देखना, तो भारत में आइए, भारत का हिस्सा है हम, भारत में घूमिए और भारत का भ्रमण कीजिए, बाहर खड़े मत रहिए। खड़े वहां हाथ खड़ा करना, हम कहां खड़े वो स्थान का नाम लेना और उस स्थान की एक विशेषता बताना। यहाँ पे डल लेक है और ऐतिहासिक महत्व आर्टिकल 370 को हटा दिया, बराबर जम्मू कश्मीर का राज्य, अभी केंद्र शासित प्रदेश। आगे इधर कौन है? इधर इधर से शुरू करेंगे। राजस्थान, राजस्थान में क्या पर्व?